मेरे भाई को चलो हां भगवान मूवी ने दिखाओ स्टार्ट कर हमारे वो मैं समझ आ जाएगा चलो से कॉल किया लाल है लाल है भाई साहब पक्का पता है तरबूज क्या भाई भाई पच्चीस दिया भाई तरबूज लाल है लाल गारंटी गारंटी के चलो एक काट काट एक तरबूज काट के दिखाओ तो मैं हूँ आपका दोस्त अनस अहमद और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है पहला रोज़ा और माह रमज़ान का आपको दिल से मुबारकबाद। तो पहले रोज़े के दिन अभी बजे हैं 4, लेकिन अभी खाने पीने का कोई हिसाब नहीं है बना है, मतलब खाना बनना है और लेकिन बनने का अभी कोई हिसाब नहीं है। दोस्तों 4:30 बज चुके हैं, लगभग 2 घंटे बाकी हैं अभी रोज़ा अफ्तियार करने में और खाना बनने का भी कोई हिसाब किताब नहीं है क्योंकि यहाँ हो रहा है पेन। तो हो गया तैयार और स्टोर भी हो गया तैयार और ये बड़ा संदूक जो हमारे अम्मी के टाइम का है, बहुत ही पुराना है, ये स्टोर रूम है और इधर इतना सामान पड़ा है कि पता नहीं ये कहाँ कहाँ से निकला है और कहाँ कहाँ रखा जाएगा। तो भाई अभी तो 2 घंटे हैं और खाना किस तरह बनेगा, थोड़ा बाहर से लेकर आएंगे थोड़ा इधर से लेकर आएंगे। सुबह के टाइम में तो चला गया था मंडी, वहाँ से लेकर आ गया मैं फ्रूट लेकर आ गया वहाँ से, तो बाकी तो सब तैयारी हो चुकी है। और उमर भाई कैसे हो, रोज़ा है आपका? हाँ झूठ बोल रहे हो, आपका रोज़ा नहीं है यार। तो भाई अभी हमारी किचन भी तैयार हो चुकी है, अभी मतलब गैस का चूल्हा वगैरह नहीं रखा है। तो भैया पहला रोज़ा है, कुछ मीठा तो बनता है और ले लेते हैं यहाँ पकौड़े भी। तो इमरती हैं 240 रुपये किलो, बहुत ही शानदार बनाते हैं। अस्सलामुअलैकुम अगेन। तो दोस्तों 5 मिनट बाकी हैं इफ्तारी में और काफ़ी मतलब सामान माल बन चुका है, खाना बन चुका है और लगता नहीं था इतना सामान मतलब बन जाएगा। तो भाई आज इफ्तारी में है ताहरी और खजूर, जो खजूर होनी होती ही है हमेशा रोज़े में। तो ये गाइस ये ईरानी है अजवा और ये भी ईरानी है और थोड़ी सी इमरती। तो भाई पहला रोज़ा है और जुम्मे का दिन है तो कुछ मीठा तो बनता है और ये पकौड़ीज, तो इसमें आलू की है और प्याज की और हरी मिर्च की पकौड़ी। और ये भाई इसके बिना तो रोज़ा कोई इफ्तार में कर ही नहीं सकता है। और ये है रेड अनियन मीट और ये है रोटी। तो गाइस अभी 4 मिनट बाद अभी खाएंगे पर आपको बताएंगे टेस्ट। भाई अभी तो मैं आपको टेस्ट बता नहीं सकता, अभी तो केवल खाना ही दिखा देता हूँ। तो भाई रोज़ा खुल गया है, पहले मैंने खजूर खाई, फिर खाएंगे एक्जोटिक
फ्रूट चाट, भाई इसमें चार तरह के फ्रूट्स हैं, एप्पल, पपाया और वाटरमेलन। भाई इसमें लेमन डालते हैं ना, और चटपटा करने के लिए इसमें जो चाट मसाला डालते हैं बहुत ही ऑसम। कुछ खाया नहीं आता भाई, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी मैं खाता हूँ तारी। भाई है मटन, और साथ में पकौड़ी। भाई मजा आ गया, इतनी वैरायटी। अल्लाह ने दस्तरखान बिल्कुल भर दिया, मुझे लगता था इतनी वैरायटी बन पाएंगी। मिर्च का पकौड़ा एकदम स्पाइसी, और साथ में जो मिली थी मुझे इनकी चटनी। भाई ओह हो भाई, थोड़ी देर पहले जब मैं बैठा हुआ था अब तैयारी से पहले, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था जबरदस्त, बोला भी नहीं जा रहा था। तो दोस्तों ये होती है बड़ी मिर्च, इसके अंदर भरा है भरता। भैया बहुत स्पाइसी है, इसके अंदर चटनी भर भर के ना, ओह टू स्पाइसी। गोभी वाली पकौड़ा, गोभी का पकौड़ा, चटनी, सो यम्मी यार। जल्दी जल्दी खाना होता है, मगरिब का नमाज का टाइम भी होता है। अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो बाद में नहीं खा पाऊंगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। ये ब्रेड, ब्रेड पकौड़ा, तो इसके अंदर भी भरता भरा हुआ है। भाई घर की मुलायम रोटी, कितनी मुलायम है। हमारी मैडम ऐसी रोटी बनाती है, शायद ही कोई बनाता होगा। ये देखिए, और ये है अनियन रेड मीट। तो भाई यार घर में ना बहुत दिन बाद खाना खा रहा हूँ आज। इस मीट में ना रेशे होते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। भाई मजा आ गया यार, दोस्तों अब मैं झटके खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं मगरिब के बाद, नमाज पढ़ने के बाद फिर करते हैं बात। रमजान का पहला रोजा माशाल्लाह से हुआ मुकम्मल, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। दोपहर तो लग रहा था रोजा, लेकिन बाद में सब सही रहा। और ये शुरू शुरू में लगता है, और बाद में एक दो दिन बाद ये आदत पड़ जाएगी हमें, और फिर रोज़ा नहीं लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके कल मिलते हैं दूसरे रोज़े के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।